तो फिल्म की शुरुआत में हमें फ्यूचर यानी आने वाला वक्त दिखाया जाता है, वो भी काफी सालों आगे, जहाँ एक कंपनी जिसका नाम मेड्यूसा है वो इंसानों के डीएनए को बदलकर सुपर सोल्जर बनाती है जो कि बहुत ही ताकतवर होती है जिन्हें म्यूटेंट कहा गया है, मगर वो ये सारा काम इलीगल यानी गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, साथ ही सबसे छुपकर खुफिया तरीके से। तो इसीलिए एक एजेंट या इनकी कंपनी में आती है जानकारी लेने के लिए जिस बारे में इस कंपनी को पता चल जाता है, इसीलिए वो उसे भी पकड़ कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर देती है और उसका भी डीएनए बदल दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग उसकी याददाश्त को मिटाने लगते हैं। मगर इतने ही देर में उस एजेंट के बाकी एजेंट साथी भी आ जाते हैं जो वहाँ गोलीबारी करके सभी मर्डर्स को मार देते हैं और अपनी एजेंट को बचा देते हैं। यहाँ हमें इस एजेंट का नाम पता चलता है, इसका नाम चिंगे, जिसके बाद इन एजेंट्स का टीम लीडर कंपनी का सारा डेटा एक छोटी सी डिवाइस में कॉपी कर लेता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी अचानक कुछ टेंटिकल्स नीचे आकर उनके एक आदमी पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। पता चलता है कि वो टेंटिकल्स इस मॉन्स्टर के ही थे, वो इन्हें लेकर गुस्सा हो जाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर ये लोग उल्टा उसे रोकने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं, मगर वो तो इतना ताकतवर था, इतना खूंखार था कि इनकी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और बस फिर वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। एक एक एजेंट को उठा उठा कर वो मार रहा था, वो बहुत सारे एजेंट्स को मार देता है। तभी देखकर चिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है और चाकू से बार बार उसके सर पे वार करती है, जिससे मास्टर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो चिंग को अपने ऊपर से उठाकर नीचे फेंकता है और उस पर अपने टेंटिकल से हमला करने लगता है। जैसे टेंटिकलों से लिपटने लगती है तो वो अपने चाकू से एक एक करके उसके सारे टेंटिकल्स काट देती है और बस इसके बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं और उस मास्टर को उसे लैब में बंद कर देते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ ही रही थी, मगर तभी उनके सामने मास्टर से भी बड़ी मुसीबत आगे खड़ी हो जाती है, जो एक लड़की थी जिसके सफेद बाल थी लेकिन वो बहुत खतरनाक और ताकतवर थी, क्योंकि उसके डीएनए को बदल कर उसे म्यूटेंट बनाया गया था और इसने ही उस मॉन्स्टर को इन लोगों के पीछे लगाया हुआ था, क्योंकि वो इतनी देर से उन्हें कंट्रोल रूम से देख रही थी। अब वो इन सब के पास आकर इन्हें हिप्नोटाइज कर देती है यानी उन्हें अपने वश में कर लेती है, लेकिन अब क्योंकि चिंग भी म्यूटेंट थी इसीलिए वो बहुत जल्द उसकी हिप्नोटाइज की असर से बाहर आ जाती है और फिर अपने साथियों पर से भी हिप्नोटाइज का असर हटाती है। तब होश में आते उनका टीम लीडर उस लड़की पर हमला कर देता है, मगर वो उल्टा उसे उठाकर दूर फेंक देती है। फिर वो दोबारा से उस पर टांग से हमला करती है और बार बार पटक कर इधर से उधर मारने लगती है। कुछ देर लड़ाई करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि हम इससे नहीं जीत सकते, ये बहुत ही ताकतवर है, इसलिए टीम लीडर चिंग को वो छोटी सी डिवाइस देता है और यहाँ से भागने का कहता है और एक बार फिर उस लड़की से भिड़ जाता है, जहाँ इन दोनों की काफी लड़ाई होती है, मगर एक बार फिर वो उसे बड़ी आसानी से रोककर तोड़ फेंक देती है, जिसके बाद अब चिंग भी उस पर हमला कर देती है। दोनों के हाथों से ही काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है, मगर इसमें वो लड़की चिंग पर भारी पड़ रही थी, वो चिंग का गला पकड़कर उसे दूर फेंक देती है, जिससे वो सामान पे जगह गिरती है। इसके अलावा भी वो उसे बहुत मारती है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। वो उसके बाल पकड़कर उसे घसीटने लगती है और उठाकर दूर फेंक देती है, मगर तभी चिंग के डीएनए अचानक से बदलने लगते हैं, मगर इसके बाद क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। फौरन ही बाद हम मेड्यूसा कंपनी के हेड मैनेजर को देखते हैं, वो कंपनी के ऑफिस में आता है जहाँ एजेंट्स की टीम लीडर को कैद करके रखा हुआ था। वो टीम लीडर से पूछता है कि बताओ चिंग और वो छोटी सी डिवाइस कहाँ है। अब चिंग उनके पास नहीं थी तो इसका मतलब यही है कि वो यहाँ से भाग गई थी, मगर अब जब टीम लीडर उसे चिंग और उस डिवाइस के बारे में नहीं बताता तो इससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने रॉड से टीम लीडर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद हम चिंग को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर एक अनजान आदमी के साथ होती है। चिंग को जैसी होश आती है तो वो लड़का उसके पास आने लगता है उसे अपने बारे में बताने के लिए, मगर चिंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मुक्का मार कर उसे दूर फेंक देती है और मौका देकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। तो वो लड़का भी उसके पीछे पीछे जाता है। बाहर आने के बाद चिंग अपने आस पास हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे वो सब कुछ पहली बार देख रही हो, जिसका मतलब था कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, मतलब कि कंपनी उसकी याददाश्त को मिटाने में कामयाब रही, इसीलिए सब कुछ देखकर वो काफी परेशान सी लग रही थी। मगर तभी वो लड़का उसके पास आकर उसे नॉर्मल करने की समझाने की कोशिश करता है, मगर वो तो उसका गला ही पकड़ लेती है और फिर तभी अचानक वहाँ आसपास सब कुछ रुक जाता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि मेरे पास वक्त को रोकने की ताकत है, जिसकी मदद से वहाँ पर होने वाली एक एक्सीडेंट को रोक देती है और एक वर्कर की जान बचा लेती है। मगर उसकी अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की वजह से कंपनी को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, मतलब कि इस वक्त वो कहाँ है, इसीलिए अगले ही पल कंपनी के बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिनसे एक के बाद
एक करके जिंग लड़ती है और अपनी ताकत का खूब इस्तेमाल करके उन्हें मारती जा रही थी। लड़ाई के दौरान जब उन सबको मार रही थी तो उसे यहाँ अपनी दो और ताकतों के बारे में पता चलता है। एक तो थी टेलीपोर्टेशन और दूसरी थी सुपर स्ट्रेंथ। टेलीपोर्टेशन मतलब कि एक जगह से गायब होकर वो दूसरी जगह पर जा सकती थी और सुपर स्ट्रेंथ मतलब कि वो इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है कि उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। तो इसीलिए यहाँ भी वो अपनी दोनों ताकतों का खूब इस्तेमाल करती है। वो उन पर हमला करती है, गायब हो जाती है, दोबारा से हमला करती है, फिर से गायब हो जाती है। जब एक के बाद एक आदमी उस पर हमला करने के लिए आता है तो वो हाथों के जरिए उनसे लड़ती है और उन्हें खूब मारती है। मगर जब बहुत सारे लोग एक साथ हमला करने के लिए आते हैं तो पहले वो उन पर हमला करती है और गायब होकर दोबारा हमला करती है। जब वो सबको मार देती है तो वो लड़का उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर चिंग उसके साथ जाने से मना कर देती है। जो सुनकर वो लड़का उसे अपनी आईडी दिखाता है और बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसीलिए अब तुम मेरी बात नहीं डाल सकती। अब कंपनी के हेड मैनेजर को जब ये बात पता चलती है कि मेरे लोग चिंग को पकड़ने में नाकामयाब रहे और सारे के सारे उसे लड़ाई के दौरान मारे गए तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसकी फौरन ही बाद उसके पास एंजेला नाम की एक लड़की आती है जो दरअसल कंपनी की दूसरी मैनेजर थी, मतलब कि वो हेड मैनेजर के मुकाबले की थी। तो यहाँ आकर वो हेड मैनेजर की उन साथियों की मजाक उड़ाने लगती है कि वो तो सारे फेलियर निकले, हार गए, तो ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, अब से ये काम मैं करूंगी, मैं ही चिंग को पकड़ूंगी कैसे भी करके। जिसके बाद हम चिंग और उसके साथ उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिनकी अब दोस्ती हो गई थी। इसीलिए वो चिंग को उसकी यादाश्त वापस दिलाने में उसकी मदद कर रहा होता है। वो अपने पुलिस स्टेशन के सिस्टम से पता लगवाता है कि पिछले काफी दिनों से चिंग कहाँ पर थी, मतलब कि उसको मिलने से पहले, जहाँ उन्हें पता चल रहा है कि वो एक विजिटर ग्रुप का हिस्सा थी जहाँ पर उसके साथ और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी और यहाँ वो घूमने आई हुई थी। मगर फिर चिंग बाद में यहाँ एजेंट का काम करने लगी। अब तभी चिंग को अपनी जेब में वो एक छोटी सी डिवाइस मिलती है जो कि टीम लीडर ने उसे दी थी, जिसमें उस कंपनी का सारा डेटा होता है। अभी वो लोग उसे चेक करने की सोच ही रही थी कि तभी एक बहुत बड़ा सा पिलर उनके घर में घुस जाता है, जिसके फौरन ही बाद उनके कमरे का दरवाजा एक धमाके से टूट जाता है। तब वहाँ एक लड़की आती है जो कि चिंग के उसे विजिटर ग्रुप की थी, मगर अब वो भी एक सुपर सोल्जर बन गई थी जिसे कंपनी एक डिवाइस की मदद से कंट्रोल कर रही थी जो कि उसकी गर्दन में लगी हुई थी। अब आते ही वो चिंग पर एकदम से हमला कर देती है, जहाँ चिंग भी आराम से नहीं बैठती, वो भी उस पर भारी हमला करने लगती है। दोनों एक दूसरे को खूब मार रही होती है, जिसके बाद जैसे दोनों एक दूसरे से दूर होती है तो दोबारा से भागकर आती है और फिर से लड़ने लगती है। कभी वो एक दूसरे को हाथों से मार रही थी तो कभी टांगों से। वो लड़की खुद को कमजोर पड़ता हुआ देख कर यहाँ से बाहर चली जाती है। हर फ्लोर से गुजरते हुए चिंग पत्थरों में दबती जा रही थी, इसीलिए सबसे नीचे आके वो काफी जख्मी हो जाती है, इतनी जख्मी जो बस मरने ही वाली थी। मगर फिर शुरुआत की तरह उसका डीएनए दोबारा से बदलने लगता है, जिससे उसकी ताकतें काफी हद तक बढ़ जाती है, जिससे अब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे ही वो उठती है तो उसकी ताकत से वहाँ एक काफी बड़ी वेव एक लहर सी बन जाती है। इतनी अब वो लड़की पत्थरों को कंट्रोल करके अपने हाथ पे चिपका लेती है। उसने एक तरह का हथियार बना लिया था जिससे वो चिंग पर हमला करती है, मगर चिंग सिर्फ अपने ही ताकतवर हाथ से उस पर हमला करती है। इसके बाद भी चिंग उसे खूब पीटती है, जहाँ इसी दौरान कंपनी उस लड़की को उस डिवाइस के जरिए ही मार देती है। मगर चिंग भी यहाँ बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि वो इस लड़ाई में काफी जख्मी हो गई थी। तब इतनी ही देर में उसका वो दोस्त फौरन ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब हम कंपनी के हेड मैनेजर को देखते हैं जो एंजेला को कहता है कि अब तो तुमने अपने सुपर सोल्जर भेजी थी तो तुम कैसे नाकामयाब रही, और तो तुमने हमारे एक सुपर सोल्जर को मरवा दिया। मगर क्योंकि उनकी ये सारी बातें कंपनी का मालिक सुन लेता है, इसीलिए उन्हें टोक कर कहता है कि अपनी इस लड़ाई को बंद करो और कहीं से भी कैसे भी करके वो डिवाइस ढूंढ कर लाओ। अब हम चिंग को देखते हैं जिसे जैसे इंजेक्शन दिया जाता है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब वो अपने साथी पुलिस ऑफिसर के साथ लैब में जाती है हमला करने के लिए। जहाँ आते ही उसे अपनी यादें याद आने लगती है, मतलब कि उसकी यादाश्त थोड़ी थोड़ी वापिस आ चुकी थी, जिसमें वो देखती है कि सफेद बालों वाली लड़की ने मुझे पकड़ लिया था और मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब यहाँ उसे वो जगह भी याद आ जाती है जहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये वही जगह थी जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो जल्दी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ आते ही चिंग को सब कुछ याद आ जाता है, जिसमें वो देखती है कि मेरे कैप्टन ने मुझे इस कंपनी की जानकारी लाने का मिशन दिया था जिसमें वो कामयाब नहीं हुई और पकड़ी गई। और फिर तभी एक स्क्रीन के जरिए एंजेला उनसे बात करने लगती है क्योंकि उसने काफी देर से उन पर नजर रखी हुई थी, जिसमें वो कहती है कि अगर उस डिवाइस को चिंग ने एक घंटे के अंदर अंदर हमें ना दिया तो हम लोग शहर के सारे मासूम लोगों को जान से मार डालेंगे। लेकिन उसकी बात से चिंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो यहाँ कंपनी की कुछ और जानकारी लेकर यहाँ से जाने लगती है, जो देखकर वो पुलिस ऑफिसर उस पर काफी गुस्सा करता है। कहता है कि जब तुम शहर की मासूम लोगों को ही नहीं बचा सकते तो क्या फायदा इस कंपनी की, इसलिए तो सबके सामने लाने का। मगर चिंग उसकी
अभी भी एक नहीं सुनती और कैप्टन के पास चली जाती है। उसके जाने के बाद उसका साथी पुलिस ऑफिसर एक जगह पर उदास बैठा होता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, अकेला ही उन लोगों से नहीं लड़ सकता। मगर इसके बावजूद भी वो लड़ाई की हमले की तैयारी करता है। उधर चीन अपने कैप्टन के पास पहुँच जाती है। उसे वो डिवाइस और कंपनी की जानकारी देते हुए कहती है कि पुलिस ऑफिसर की मेरे साथी की मदद करूँ, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये हमारा काम नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। उसकी ऐसी को गर्जी वाली बातें सुनकर चिंग काफी हैरान रह जाती है और कहती है कि फिर तो मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें डिवाइस और जानकारी देकर। जिसके बाद हम देखते हैं उसी पुलिस ऑफिसर को जो कंपनी के लोगों के सामने पहुंच जाता है। हालांकि वो जानता था कि मैं इस लड़ाई में नहीं जीत पाऊंगा, मगर इसके बावजूद भी वो सब मासूमों की जान बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। एक तरफ वो अकेला था और दूसरी तरफ कंपनी के इतने सारे लोग। लेकिन अब इससे पहले उनकी लड़ाई शुरू होती वहां पर चिंग आ जाती है और वो अपने पुलिस ऑफिसर साथी को कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मगर अब मैं तुम्हें अच्छाई की ये लड़ाई अकेले ही लड़ने नहीं दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फौरन ही बाद कंपनी के बहुत सारे सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ चिंग भी आगे बढ़ती है और बार बार गायब होकर तलवार से उन पर वार कर करके उन्हें मारती जा रही थी। वो उनके बहुत सारे सिपाहियों को मारने में कामयाब रहती है। मगर इसी बीच एंजेला पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेती है और चाकू से उसके सीने में कई बार वार कर देती है, जो देखकर चिंग को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो जल्दी से एंजेला को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर एंजेला भी भागने लगती है। और क्योंकि वो चिंग से काफी ताकतवर थी, इसीलिए वो उसके पेट में भी चाकू को साथ देती है और बार बार को साथ ही रहती है। जहाँ ऐसा होने से चिंग के डीएनए एक बार फिर से बदलने लगते हैं, जिससे एक बार फिर वहाँ लिक्विड जैसी काफी बड़ी लहर आ जाती है, जो बिल्कुल किसी शील्ड जैसी थी, जिस वजह से एंजेला काफी दूर जाके गिरती है। मगर इससे उसे कुछ भी नहीं होता और अब इससे पहले वो और कुछ करके चिंग पर हमला करती है, चिंग गायब होकर अचानक से उसके पीछे पहुंच जाती है और एक झटके में अपने चाकू से उसका गला काट देती है। ये सब कुछ कंपनी का हेड मैनेजर और बहुत सारे बिजनेसमैन एक स्क्रीन पर देख रहे थे। अब उन्हें हारता हुआ देखकर सारे बिजनेसमैन उसे सवाल करने लगते हैं। एक बिजनेसमैन जैसे हेड मैनेजर को बुरा भला कहता है, वो उठाकर उसे दूर फेंक देता है और फिर जान से ही मार डालता है, जिसके बाद वो सारे बिजनेसमैन को डराता है और धमकाता भी है। उधर चिंग अपने पुलिस ऑफिसर साथी के सर अपनी गोद में रखकर बैठी थी। उसे देखकर वो काफी दुखी हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ही जख्मी था और फिर उसके हाथों में वो दम तोड़ देता है, जो देखकर चिंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मेडिसिन कंपनी के मेन ऑफिस में पहुंच जाती है। जहां जैसे बहुत सारे सोल्जर्स उसे रोकने के लिए आगे आते हैं, तो वो अपनी गायब होने वाली ताकत का इस्तेमाल करके एक एक झटके में उन सबको ढेर कर देती है, जिसके बाद वो सीधा पहुंच जाती है कंपनी के हेड मैनेजर के पास। वो कहती है कि बस कर दो, अब तुम्हें लोगों को मारना बंद करना होगा, जिसकी फौरन ही बाद उन दोनों के बीच भी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। हेड मैनेजर जिन पर भारी पड़ रहा था, वो उसका गला घोट कर उसे हवा में उठा देता है और फिर उठाकर दूर फेंकता है, जिससे चीन के मुंह से खून निकलने लगता है। और अब क्योंकि हेड मैनेजर काफी ताकतवर था, इसीलिए वो जिनको उठा उठा कर दीवारों पर पिलर्स पर दे देकर मार रहा था, जिससे वो एक बार फिर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। मगर हमेशा की तरह एक बार फिर उसका डीएनए बदल जाता है और वो काफी ताकतवर बन जाती है पहले की निस्बत से। अब की बार वो इतनी स्पीड से गायब हो रही थी कि हेड मैनेजर उसे देख भी नहीं पा रहा था और काफी कंफ्यूज लग रहा था, मतलब कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। और फिर अचानक से चिंग उसके बहुत पास आकर उसे धक्का मार के दूर फेंकती है, मगर अभी भी वो हार नहीं मान रहा होता और दोबारा से उठता है। कांच के बहुत सारे टुकड़ों को अपने कंट्रोल में करके हमला करने के लिए वो चिंग की तरफ भेजता है, मगर वो दोबारा से गायब होकर उसके सर के ऊपर आती है और चाकू से एक जोरदार वार करके उसका खेल वहीं पर खत्म कर देती है। सब कुछ खत्म करने के बाद चिंग अपने उस साथी पुलिस ऑफिसर के घर जाकर उसे याद कर रही होती है, जहाँ पर तभी अचानक से वो उसके सामने आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा इसीलिए है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि म्यूटेंट है, इनकी उसके डीएनए को बदल दिया गया है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखती है और बहुत खुश थी। उनकी इसी खुशी के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।